हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई आज का सफ़र है कुमाऊँ में जाएंगे हम, सिस्टर रहती है वहाँ पे, तो आज वहाँ का सफ़र है। सब लोग तैयार हो रखे हैं और गाड़ी वाला हमारा जो है उनको बुकिंग मिल गई थी पहले, परिवार का ही बंदा है तो उनको बुकिंग मिल गई थी, तो हमने बोला आप पहले चलो बुकिंग कर लो अपनी, उसके बाद हम चलेंगे, क्योंकि हमको तो आराम से ही जाना है और मौसम तो सुहाना हो रखा है, बहुत गजब का मौसम हो रखा है। तो चलो करते हैं सफ़र को शुरू। गाड़ी अभी आई नहीं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस सफ़र का जो है आनंद लेंगे हम। और मौसम तो कल तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी और आज भी बारिश के आसार हैं, तो देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है ना। चलो करते हैं सफ़र शुरू। ये है बैंड से आप चला के बहुत भाई लगे हुए हैं। सफ़र तो सुहाना बनता जा रहा है, मौसम बड़ा सुहाना है। गाड़ी वाला भी आया नहीं हमारा, कच्ची रोड में फंस गया है गाड़ी वाला। इस वाले रोड से आ रहा ना, वो कच्ची रोड है, पीछे रोड दिखे ना, इस वाले रोड से आ रहा है। सुहाना मौसम हो रखा है, देखते हैं सफर का आनंद लेते हुए दोस्तों आप लोगों के साथ चलते हैं नागचुला की ओर। रोड है, जब बरसात का पानी आता है तो ये फुल भर जाता है, पार करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। जी हम नागपुरा बाजार हैं। बच्चन ओ बचना गेट बचना गेट हम तो इसमें चलते हैं, चलते रहो ना कहीं मनी उन्हों नागचुला बाजार। मौसम तो औसम है भाई नागचुला में, आज फिर बारिश होने की संभावना है। अभी हम जा रहे हैं अब नागचुला से जो है त्रिघाटी, और मौसम तो बड़ा सुहाना हो रहा दोस्तों। यहाँ से एक रोड गई है आपकी पौड़ी के लिए और एक रोड गई है अल्मोड़ा के लिए। कल गए थे हम पौड़ी में और वहाँ जाएंगे हम अल्मोड़ा में। देखो
बॉडी बोर्ड लगा तेरे ऊपर, बोर्ड लगा हुआ देखो बॉडी, चल बॉडी है यहाँ से 140 किलोमीटर और ये गए हम अल्मोड़ा के लिए। ये अभी नई बनी है सड़क, तो यहाँ से ही कच्ची रोड है आगे तक, आगे कच्ची है ना? हाँ ऐसी है, ऐसी रोड है। मतलब कल गए थे हम पौड़ी में और आज जाएंगे हम अल्मोड़ा में, और घर है हमारा चमोली में। तीन डिस्ट्रिक्ट एक साथ कवर कर रहे हैं। कल गए थे हम पौड़ी में, आज जा रहे हैं हम अल्मोड़ा में, घर है हमारा चमोली में, और मौसम जो है बहुत सुहाना हो रहा है अभी, मतलब ठंड लग रही है। एक पतली सी ना जैकेट, जैकेट चाहिए भी जा रहे हैं, तो एक पतली सी जैकेट जो है हमको चाहिए, ऐसा मौसम हो रहा है। कल से जो बारिश आई उसने जो है मौसम और भी सुहाना कर दिया। तो चलो अब आपको व्यू दिखाता हूँ इधर का, कि कैसा इलाका है। मैं अभी पहली बार जा रहा हूँ बाई रोड इधर से, पहले हम पैदल जाते थे। चलिए आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों शानदार व्यू है, नीचे से अच्छा दिखता हुआ है, नीचे से बहुत अच्छा दिखता है, आगे से दिखाएंगे व्यू लोग। ये देखिए दोस्तों ये वाला इलाका, पहली बार आ रहा हूँ मैं इधर, और बहुत ही गजब का व्यू आ रहा है। कितने दूर दूर लोग बसे हुए हैं, सड़क तो अभी गई इधर, इससे पहले लोग जो है पैदल ही जाया करते हैं, आया जाए पैदल का रास्ता थोड़ा धीरे कर। सामने जो दो गांव दिख रहे हैं वहाँ पर, वहाँ अभी भी जो है तुलसीरा और कुटकुली, वहाँ अभी भी रोड नहीं है। एक जगह तो आगे से अभी लोग जब इधर आते हैं मार्केट आते हैं, मार्केट आते हैं इधर या देखा पैदल पैदल आना पैदल जाना, इतनी टफ लाइन है पहाड़। यहाँ ये वाली रोड में भी आई है कुछ टाइम पहले ही आई है, यहाँ थोड़ा सुविधा हो गई नीचे। सामने दूर गांव दिख रहे हैं वहां अभी रोड नहीं। ये देखिए पहले जब यहाँ रोड नहीं थी तो ये लोग पैदल जाते थे, पैदल का सफर थे, अब रोड आ गई है सहूलियत हो गई लोगों के लिए। नहीं तो पहले यहाँ जो है रोड नहीं थी, यहाँ जिस गांव में भी हम जा रहे थे अपनी सिस्टर रहती थी वहाँ भी रोड नहीं थी, लेकिन वहाँ अब है रोड पहुँच गई। पहले हम वहाँ बिल्कुल पैदल जाया करते थे, रोड आने से कितनी फैसल कितनी सुविधा हो गई। नहीं तो पहले वहाँ जो है रोड ही नहीं थी, पैदल 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 3 घंटे का पैदल रहना है मेरे घर से और मेरी सिस्टर के गाँव जहाँ हम जा रहे हैं। 3 घंटे जाना और 3 घंटे आना सोच, तो बहुत बार गया हूँ। वहाँ जो है रोड आने से सुविधा हो गई, हमारा सेल्फ और चल दिया, रोड आने से काफ़ी सुविधा हो गई है, नहीं तो पहले बहुत परेशानी। अभी भी दूर दराज के गाँव हो गया जहाँ रोड नहीं है, जो तो गाँव मैंने अभी आपको दिखाई थी वहाँ रोड नहीं थी, अभी भी नहीं है, कुछ तो पैदल ही जाते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार व्यू है, कहाँ कहाँ लोग बसे हुए पहाड़ों में, देखो वहाँ ऊपर वहाँ उधर, और ठीक मेरे पीछे जो है ना ये है देघाट, देघाट की मार्केट, बहुत पुरानी मार्केट है। और बाकी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ भी कुछ टाइम पहले रोड आई है, इससे पहले यहाँ के लोग भी पैदल ही आया जाया करते थे। और ऊपर का भी मैंने बताया था ना, वो गांव सारे उधर जो है ना अभी रोड गई है, अदरवाइज तो वहाँ पैदल ही जाना पड़ता था पूरा। तो चलो आगे का सफ़र करते हैं शुरू,
अभी डेस्टिनेशन हमारी बहुत दूर है और मौसम तो बहुत गजब कौर का है, बहुत शानदार मौसम और का है। तो चलो मिलते हैं आगे। जहाँ हमने जाना है वो गांव तो दिख नहीं रहा है। पहाड़ों की रोड है बड़ी खतरनाक, खतरनाक बोर्ड भी है। अभी हम पहुंच गए भाई मालीखेत, ये है मालीखेत का स्कूल, आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मालीखेत। ये देखिए मालीखेत में पहुंच गए हैं, राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज मालीखेत। कल बारिश आई थी ना, बहुत भयंकर बारिश आई थी, उससे जो है रोड की भी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन ठीक है, चलने लायक है। पहाड़ों में ऐसे ही होते हैं रोड, चलने लायक तो बताइए। बिल्कुल नदी के किनारे, इतना अप में था बरगल गांव शालदी अल्मोड़ा, बिल्कुल नदी उतना टॉप पे थे हम, बिल्कुल टाउन आ गए हम, नदी में आ गए बिल्कुल। अभी तक तो गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल पे चल रही है। ये आ गई है बस कुमाऊं मंडल की, चार से मतलब जिन लोगों के पास अपना साधन नहीं है उनके लिए जो है बसेस चलती है। कुमाऊं मंडल की अलग और गढ़वाल मंडल की अलग कनेक्टिविटी के लिए, वो लोग जो है बसों से सफर करते हैं। रामनगर से भी चलती है ये बसें, वो लोग इनसे जो है पहुंचते हैं घर की ओर। अभी आ गया गर्म इलाका, यहाँ मिलेंगे हमको आम के पेड़, ये लगे हुए आम पेड़ों में, ये आम के पेड़। हमारा इलाका जो है ठंडा इलाका है, इधर आम नहीं, गर्म इलाका है, इधर मिलते हैं आम के पेड़। रोड की कंडीशन तो अभी तक तो ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। आगे भाई हम गांव की रोड पे, देखो रोड है बिल्कुल कच्ची, इस पर टू व्हीलर का चलना तो बहुत खतरनाक है, लेकिन हम लोग जो है चल रहे हैं। फोर व्हीलर वाली भी शायद हमारी चलेगी ऊपर के लिए, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये अभी बिल्कुल नई रोड बनी है गांव के लिए, और हमारी सूचना ऐसी मिल रही है कि हमारी गाड़ी जो है फंस चुकी है। अब देखते हैं, देख के ही पता लगेगा आगे चल के कहाँ पे फंसी है गाड़ी। भाई कार से तो बड़ा खतरनाक, टू व्हीलर के लिए तो बहुत खतरनाक। ये देखो भाई साहब, चढ़ ही नहीं पा रही गाड़ी। इलाका तो सुंदर है लेकिन रोड जो है खतरनाक है दोस्तों। गाड़ी फंस चुकी है हमारी,
यहाँ पे इस वाले मोड़ पे जो है गाड़ी फंस चुकी है, मिट्टी है ना खतरनाक। दो में निकाल, दो में निकाल। तमिल बोल चुके, गाड़ी फंस गई है दोनों। गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है, गाड़ी कच्ची रोड पे अटक चुकी है और जो निकली गाड़ी, ये शाबाश निकली गई गाड़ी आखिर, और रोड यहाँ पे कच्ची है। वाओ, बट नज़ारा अच्छा है। धक्का दे दे के गाड़ी आगे निकाली गई है, बस इतने लोग हैं। और गाड़ी फंस चुकी थी, गाड़ी को तो हमने निकाल लिया। अच्छा बोल दिया आपने, इसको देखते हुए हमने गाड़ी जो है यहीं पे खड़ी कर ली है और अब जा रहे हैं हम लोग पैदल। पैदल नहीं है रास्ते, रोड जो है बहुत खतरनाक हो रही है, गाड़ी जो है चढ़ नहीं पा रही हमारी, तो अब चलते हैं पैदल। थोड़ा सा ही है यहाँ से, स्कूटी को तो ऊपर ले जा रहे हैं लेकिन गाड़ी जो है अभी हमने यहीं पे स्टॉप कर ली। थोड़ा सा है बल यहाँ से रास्ता, तो देखते हैं पैदल का रास्ता। बैग भी है पीठ पे, बहुत भारी लग रहा है अभी तो पैदल चलने में, लेकिन अब पहुँच चुके हैं। इधर थोड़ा गर्म इलाका है ना, हमारे इलाके से गर्म इलाका है, तो इधर जो है गर्मी थोड़ा ज़्यादा रहती है, बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। कितनी दूर है क्या भाई? कौचा भाई साहब, अभी तो उधर जाना भी पैदल, हमने यहाँ तक तो सड़क का रास्ता था, वहाँ तक पगडंडी के रास्ते जाना पड़ेगा। तो गुनू सिंह हाँ बताओ, थकान लग रही नहीं लग रही है? लग रही थकान? यहाँ से पैदल यूं बत्र पट। हेलो, आ रहे सब लोग पैदल। भाई रोड का रास्ता हो चुका खत्म, अब चल रहे हैं पैदल। आय हाय, और बिल्कुल पगडंडी भी नहीं बोलेंगे, ऐसे ही रास्ता है, बहुत खतरनाक रास्ता है भाई। ये देखो आधा छूट गए ना ज्यादा पैदल चलने की, पर इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है, अदरवाइज ऐसे रास्ते तो हमने बहुत पार किए हैं। ये देखो पैदल 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 चलना पड़ेगा, क्योंकि सोचो कि पहाड़ों में जहाँ सड़क नहीं होगी वहाँ के लोग कैसे चलते होंगे, कैसे सामान ले जाते होंगे सिर पे पीठ पे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब कोई दुख बीमार होता है, किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, तो तब बहुत समस्या हो जाती है। रोड तक पहुंचाने के लिए भी बहुत माथा पच्ची करनी पड़ती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है किसी मरीज को वहां तक पहुंचाने के लिए भी। पहाड़ों की लाइफ बाहर से तो सुंदर लगती है, लेकिन जब यहाँ रहो दो चार दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तो घूमने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जिसने यहाँ जीवन यापन करना है उसके नज़रिए से देखो कितनी टफ लाइफ पहाड़ों की। घूमने के लिए तो क्या है, 2 दिन आए, 4 दिन आए, घूमे फिर चल दिए, लेकिन यहाँ रहना, यहाँ जीवन यापन करना, यहाँ की तकलीफें देखना, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन एक चीज़ है, हवा और पानी बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं। तो ऐसे जैसे ले जा रहे हैं सर में,
वैसे सामान ले आते हैं लोग सिर में रख के। ऐसी पगडंडी पे चलते 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 आ रहे हैं, कुछ लोग पीछे आ रहे हैं। ये कुमाऊं का लगा, यहाँ बोली जाती कुमाऊनी भाषा। तो दो दिन के अंदर में दो जो बच गए, कल गया था पौड़ी गढ़वाल, आ गया हूँ कुमाऊं में अल्मोड़ा। ए गुनू, गुनू कैसा हो रहा बेटा? अच्छा हो रहा है? कैसा हो रहा बेटा? अच्छा हो रहा है? पैदल चलने में मजा आ रहा है? गुड बॉय। हे गुनू का छोड़ बेटा, अच्छा हो रहा है? ठीक है ठीक है, चल उसको आनंद आ रहा चलने गुनू को। हे गुनू कैसा हो रहा बेटा? भाई वो भी लगा पड़ा है पैदल 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 चलने में, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ उसका जान मुझके। बस थोड़ा सा रह गया, अब तो थोड़ा सा रह गया है, थकान लग गई, बस थोड़ा सा रह गया अब तो। यह है घर ऊपर देख, आ गया अब तो। फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं। गुनो पहुंच गया ना? हैं पहुंच गया ना? फाइनली हम जो है पहुंच चुके हैं, और ये आम का पेड़, हम पहुंच चुके हैं घर में। जी जी को राम राम। बैठो, क्या हाल चाल? बस सब बढ़िया है। बैठो बैठो। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं, पसीना पसीना हो गया भाई, बहुत पसीना हो गया। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।